हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 4% डिफेंस अलाउंसेस बढ़ाने का फैसला लिया। देखिएगा, ये जो पहले से बढ़ के 6% डिफेंस अलाउंसेस हुआ है, इसका आपको नकद भुगतान मार्च की सैलरी के साथ अप्रैल में किया जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस पे 32 अपग्रेड पे में कहीं पे भी फंस रहा है तो आपको इतने एरियर का लाभ होगा। मतलब 1 जुलाई 2023 से लेके 29 फरवरी 2024 तक का डीए का एरियर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 3 समान किस्तों में, पहला इंस्टॉलमेंट जुलाई, दूसरा अगस्त, तीसरा सितंबर में पे होगा। तो अगर आपका ग्रेड पे इस मुताबिक है तो आपका टोटल डीए एरियर कितना बनेगा आप सामने देख सकते हैं। स्टाइपेंड का रूल है तो आप अपने हिसाब से डीए मिनिमाइज कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें किसी भी पे स्केल पे स्टार्टअप अगर फिक्स है तो आप अपने मुताबिक देख सकते हैं। कितने साल आपकी सर्विस हुई है उस हिसाब से आप ये इंडेक्स बढ़ाते जा सकते हैं। अगर आपका बेस 32,800 अभी है, आपका 21 साल की नौकरी करनी हुई है ज़्यादा नहीं, अगर आपका पे स्केल फिक्स नहीं है तो आपका मिनिमम 10,496 आपका डी एरियर बनने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, और 3 बराबर किस्तों में जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये मिलने वाला है 3499, मतलब 3500 के आसपास। तो ये मिनिमम अगर आप इसी स्केल में हैं, और अगर आपका 60,900 तक अगर है तो आपको 19,488 तक भी मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से लेवल देख सकते हैं।